तो इन्होंने आज जो फोटो डाली है वो आप सबने तो देखी ली होगी, नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए। आज रात जिम नहीं गए और जल्दी हमारे पास आ गए क्योंकि आज हमारे साथ टाइम स्पेंड करना था। आज दोपहर में मैं थोड़ी लो हो गई थी तो मेरा वॉइस नोट सुना था, जल्दी वापस आ गए। हाँ, एक दिन तो जिम छोड़ सकते हैं के लिए, है कि नहीं? थैंक यू। नहीं वैसे आजकल अड्डे पे भी कम जाते हो। अड्डे पे भी कम जाते हो और जितना तो वैसे मुझे वक्त ज्यादा मिलता नहीं है की वजह से, फिर उसके बाद जिम होता है तो सोचता हूँ चलो पहले लोग अड्डे पे जाया करता था, अभी भी जाता हूँ बट बीच में एक आध दो दिन मिस कर देता हूँ, चलो बैठते हैं साथ में बातें करते हैं बताते हैं। और ये आते हैं तो मेरी इंस्टेंटली एनर्जी भी वापस आ जाती है और इससे लोग भी वापस आ जाता है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दीपिका और शोएब इब्राहिम को बहुत बहुत बधाइयाँ मिल रही हैं ट्विंस प्रेगनेंसी पे और हम भी उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। आप उनके फ़ैन हैं तो आपके मन में भी बहुत खुशी होगी और साथ में ही हम एक दुआ करना चाहते हैं कि उनकी ट्विंस प्रेगनेंसी हो या सिंगल प्रेगनेंसी हो, जिस तरीके से शोएब उनका ख्याल रख रहे हैं, पूरी फैमिली उनका ख्याल रख रही है, उनकी फैमिली में इतना प्यार है, वो हमेशा बना रहे। अल्लाह उनको इतना प्यार नवाजे, इतनी दुआएं आप उन सब के लिए करना कि दीपिका उनके बेबी हेल्दी हेल्दी और स्वस्थ रहें और उनकी डिलीवरी भी अच्छे से हो जाए। हम अपने जो चाहने वाले हैं उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अगर आपको अपडेट चाहिए हो हम दीपिका शोएब सबा और आपके फेवरेट सेलिब्रिटी की छोटी छोटी अपडेट्स आपको देते रहते हैं, आपके मनोरंजन के साथ साथ आपको कुछ न कुछ सीख भी दे के जाते हैं। एक सीख हर हस्बैंड के लिए कि फ्रेंड्स होना काम होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको सबसे ज़्यादा अपने हस्बैंड की ज़रूरत होती है और हस्बैंड को हमेशा उसके साथ रहना चाहिए जितना हो सके। चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा और हाँ इन लोगों के लिए दुआएं करना मत भूलना, अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में।